हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ईशस ने आप ब्लॉग। तो होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 27 अक्टूबर, मतलब कि भाई दूज। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी भाई दूज। और स्नेहा भी अंदर है और मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, तो फिर मैं आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ जब स्नेहा आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये रंगोली वही है जो मैंने आपको बताया था कि हमने छत पर डाली है। टाइम रात में नहीं दिख रही थी ना, अच्छी है ना फ्रेंड्स। हम दोनों तैयार हो चुके हैं, दीदी भी तैयार हो गई हैं, और अब हम लोग ईशान को टीका लगा देते हैं। तो दौड़ लगाने शिल्पा दी के साथ, स्नेहा नहीं आ रही क्योंकि स्नेहा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए स्नेहा नहीं आ रही टहलने के लिए। तो स्नेहा घर में ही रहेगी और मैं अपन चलते हैं टहलने। रेडी टहलने के लिए? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि ईशा गई हुई है, मतलब शिल्पा जी के साथ थोड़ा वॉक पे, और मैं घर पर हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और इसी वजह से मैं नहीं गई थी। मैं जा सकती थी पर मेरा मन भी नहीं था, और मुझे बहुत ज़्यादा कल रात से सर्दी भी हो गई, और मैं रात भर मतलब सो भी नहीं पाई, इतनी सर्दी हो गई मुझे। तो मैं ऊपर आके मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। और शिखा दीदी और मम्मी का चाय नाश्ता हो रहा है, तो मम्मी लोग वहाँ पे बैठी हुई है, और मैं सोचती हूँ दीदी आ जाती है फिर मैं भी कर लेती हूँ चाय नाश्ता। तो अभी वैसे भी मेरा मन नहीं है, पर मैं सोच रही थी कि स्वेटर पहन लेती, ठंडी नहीं लग रही है पर शाम का समय हो गया है, तो सोच रही हूँ स्वेटर पहन लेती, नहीं तो और ही ज़्यादा सर्दी हो जाएगी मुझे। और आप ये अक्सर ब्लॉग पे देखे होंगे, मुझे ही ज़्यादातर सर्दी होती है। तो फ्रेंड्स, दीदी और मैं एंटर हो चुके हैं जलपरी में, और दीदी के साथ मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ रनिंग करने। बताओ दीदी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है यहाँ पर आके, बहुत अच्छा। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए एकदम शांति, एक गाड़ी भी नहीं चल रही यहाँ पे। नहीं, अभी आ गई। तो फ्रेंड्स, अभी कितना टाइम हुआ है? तो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं 5:30। अभी तक दीदी और ईशा नहीं आए हैं, और मम्मी ने भी चाय और पास्ता का नाश्ता कर लिया है, दीदी ने भी कर लिया, शिखा दीदी ने ना। यार हम तो चाय पीते नहीं है, तो हम सोच रहे हैं पास्ता का ही नाश्ता कर लेते हैं। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ, और थोड़ा सा तीखा है क्योंकि मैंने थोड़ा पहले ही खा लिया था, तो थोड़ा सा तीखा है बस, बाकी बहुत टेस्टी बना है, तो फिर मिलती हूँ मैं। फ्रेंड्स, दीदी और मैं आ चुके थे टहल के काफ़ी टाइम पहले, मैं ऊपर आ गई हूँ, उसने नीचे है, और मैंने भी पास्ता खा ली हूँ, बहुत टेस्टी बनाया था दीदी ने। और बस अब मैं सोच रही हूँ ये ब्लॉग यहीं एंड करना चाहूँगी। ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, सभी को बाय बाय।